नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं राहुल कुमार। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। साथ ही उन्होंने बुधवार दोपहर कुछ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 दिन पहले शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, चांदबाग, शिव विहार मुख्य रूप से दंगों से प्रभावित हुए हैं। डोभाल को हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने सीलमपुर में पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर दिसंबर के दौरान 4.5% पर स्थिर रहने का अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने आधिकारिक आंकड़े आने से 2 दिन पहले बुधवार को यह अनुमान जताया। उनका यह भी कहना है कि देश के समक्ष आर्थिक रूप से कोरोना वायरस से प्रभावित होने का जोखिम है। इसका कारण विभिन्न वस्तुओं के लिए चीनी आयात पर उच्च निर्भरता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019-20 में GDP वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया है, जो कि 11 साल का न्यूनतम स्तर है। इसका मुख्य कारण घरेलू खपत में गिरावट और वैश्विक बाजारों में नरमी है, जिसका असर देश के निर्यात पर पड़ा है। चीन में फैले खतरनाक कोरोना वायरस के कारण इस साल जुलाई के अंत में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर अभी से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC के प्रवक्ता का कहना है कि इन खेलों के लिए तैयारियां योजना अनुसार चल रही हैं और बाकी सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं। IOC के प्रवक्ता ने कहा, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति IOC और अन्य संबंधित संगठनों के साथ ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए लगातार काम कर रही है। इस समय कोरोना वायरस को लेकर खेलों पर संकट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह सिर्फ अटकलें हैं। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना है और पैरालंपिक का आयोजन 25 अगस्त से 6 सितंबर तक होना है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़।